गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लास कुछ टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया है, हम ऑफलाइन मोड में ही स्टडी करेंगे और ये स्टडी कुछ टाइम यानी कुछ हफ्ते तक जारी रहेगी। और जैसे ही हम लाइव आएंगे, लाइव के लिए मैं बाय पोस्ट आपको सूचित करूँगी। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे और यहाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और जो लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ उसको भी ज़रूर सॉल्व करें ताकि मुझे सूचना मिल सके कि आप सभी लोग कनेक्ट हैं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन से लोग कनेक्ट हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथ में आप सोचते रहें और इसी के साथ उत्तर देने की कोशिश करें। यहाँ तो उत्तर आपके स्क्रीन पर ही है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। और यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगले मंथ यानी अगस्त में पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं होने वाली है। टीजीटी की एग्ज़ाम की जो डेट है वो 7 और 8 अगस्त निर्धारित की गई है। और पीजीटी अलग अलग विषय होते हैं पीजीटी में, इसलिए उसके डेट अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो आप साइट पर जाकर अपना, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो साइट पर जाकर अपने विषय का पीजीटी का एग्ज़ाम देख सकते हैं और एडमिट कार्ड भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं। चलिए आते हैं इसकी व्याख्या पर। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने गिरा गांव बम्बई में किया। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में एका संगठन संबंधित था। एका संगठन संबंधित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसानों का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। एका आंदोलन वसुता एक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन अवध किसानों के द्वारा 1921-22 में चलाया गया था, जो कि हरिद्वार, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। इसके प्रमुख नेता मदारी, पारसी, सहदेव दोनों निम्न जाति से संबंधित थे। इन आंदोलनों का मुख्य कारण अत्यधिक लगान तथा गैर कानूनी रूप से खेत छीनना था। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरन चंद जोशी उत्तराखंड से वामपंथी नेता, बाद में निम्न में से किस राजनीतिक दल में महासचिव बने। पूरन चंद जोशी उत्तराखंड में वामपंथी नेता, बाद में निम्न में से किस राजनीतिक दल के महासचिव बने। तो ये महासचिव बने हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। पूरन चंद जोशी भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेता में एक थे। वह 1935-1947 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे और फरवरी 1938 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बॉम्बे में पहला मुख्य पत्र नेशनल फ्रंट शुरू किया। इसके संपादक पी सी जोशी बने।
डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? तो इसके नायक थे जयानंद भारती। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड के शिल्पकारों द्वारा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। शिल्पकारों की शादी पर डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। 1930 के आसपास जयानंद भारती के नेतृत्व में शिल्पकारों को यह अधिकार प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम डोला पालकी आंदोलन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया? अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया, तो ये प्रस्तावना की गई है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। 1909 के भारतीय परिषद एक्ट पार्लियामेंटो सुधार के तहत भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव किया गया। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके द्वारा बजट के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यद्यपि मत देने का अधिकार सभी नहीं मिला, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे ये सम्मिलित करने का प्रश्न है, कराची कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस और फैजपुर कांग्रेस। और यहाँ पे कूट है, आप भी साथ में उत्तर देने का प्रयास करते रहें। दो मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। चलिए इसे धीरे धीरे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन हुआ है 1931 में। लाहौर कांग्रेस का हुआ है 1929 में, पूर्ण स्वराज का जब मांग हुआ था। लखनऊ कांग्रेस हुआ है 1936 में और फैजपुर कांग्रेस 1936 में। तो दो 1936 के हो जाएंगे और ये लाहौर कांग्रेस 1929 और कराची हो जाएगा 1931। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। कराची कांग्रेस 1931 में, लाहौर 1929 और लखनऊ 1936, फैजपुर 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया और कई प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया। निम्न में से कौन सा प्रांत उनमें से एक नहीं है? जो एक नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा पंजाब। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंबई में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सूची एक और सूची दो दी गई है और हमें इसे आपस में सम्मिलित करना है। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पूना सार्वजनिक सभा। तो चलिए इसे सम्मिलित करते हैं। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से, मद्रास महाजन सभा ये हम करेंगे एम वीर राघवाचारी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी से, और पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा जस्टिन रनाडे से। तो इस तरह से अगर सम्मिलित करते हैं तो हमें जो दिखता है ये हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा, एम वीरा राघवाचारी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और के टी तैलंग, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा को उत्तीर्ण करने वाले, ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। सत्येंद्र नाथ ठाकुर प्रसिद्ध लेखक, बहुभाषाविद, गीतकार थे। ये महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ठाकुर भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1881 में। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का यह प्रश्न है। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में सर्वप्रथम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित किया गया और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के कार्य की अवधि को 9 घंटे निर्धारित किया गया। महीने में 4 दिन के अवकाश की भी व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत उम्मीद रहती है किसी भी एग्जाम पेपर में इसके आने की। तो इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। व्याख्या देखते हैं। ज्योतिबा फुले भारत के महान विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। इन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए देश का पहला महिला शिक्षा स्कूल खोला था। इन्होंने महाराष्ट्र में फैली जाति प्रथा को समाप्त के लिए अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा लोगों को जागरूकता का अभियान चलाया। गरीब और निर्बल लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। तो इस पर भी प्रश्न बनता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग भंग आंदोलन के जनक कौन थे? यंग भंग आंदोलन, तो इसके जनक थे
हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। यंग भंग आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डिरोजियो थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की रक्षा, यंग भंग बंगाल की क्रांति और बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो मुख्यतः कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित था। डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये सम्मिलित करने का प्रश्न आ गया है। चलिए सुमेलित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है वो है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। तो ब्रह्म समाज मुझे लगता है सभी को पता होगा। ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? बिल्कुल सही होगा आप सभी का, मुझे उम्मीद है, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया है, सभी को आता होगा। स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित। ये थोड़ा सा टफ है, बाकी सभी आते होंगे आपको, मुझे ऐसा ही उम्मीद लग रहा है। और यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित। और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 83 पर और ये हम इसे लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। तो यहाँ आपको उत्तर देना है और अगली जो क्लास हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की उसकी शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट में आप इसका उत्तर देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसका आधुनिक इतिहास का प्रोवाइड करूंगी। तो और तब तक आप भी सोचिए, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे, तो कौन प्रवर्तक बने थे? और ऑप्शंस है राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और जमुना लाल बजाज। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा इस चैनल पर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, उनका प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारे वीडियोस हैं जो कि जिनकी पूरी सीरीज क्रिएट की गई है, जो भी आप की आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।